जय माता दी फ्रेंड्स, मैं ब्रिज स्वागत करता हूँ एक बार फिर से अपने इस चैनल पे। और हम लोग जो सीरीज स्टार्ट किए हैं इस पूरे नवरात्रि के 9 दिन के लिए, आज उसका चौथा दिन है। आज हमारे शास्त्र के हिसाब से माँ कुष्मांडा का दिन है, और कुष्मांडा माँ से हम लोग इस आशीर्वाद के कामना के साथ कि वो अपने आशीर्वाद हमारे साथ बनाए रखे, हमारा राष्ट्र, हमारा समाज, हम, हमारा परिवार सब कुशलतापूर्वक अपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। हम लोग नवरात्रा के दौरान ये 9 दिन की जो सीरीज प्रारंभ की है, इस सीरीज का उद्देश्य इतना है कि हम जो लोग किसी लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रहे हैं या जिनका लक्ष्य थोड़ा मुश्किल है, सिविल सर्विसेज टाइप का है, उन्हें हम लोग प्रेरित करने के साथ साथ उन शिक्षा को भी लाए जो हमारे धर्म ग्रंथ में हजारों वर्ष पहले सफलता के लिए लिखी गई है। शक्ति किसी भी चीज के सफलता के लिए सबसे अनिवार्य स्रोत होती है, और आज शक्ति पूजन के इस चौथे दिन हम माँ कुष्मांडा का पूजन करते हैं। पिछले 3 एपिसोड में हम लोगों ने 3 अलग अलग प्रकार के शिक्षा ग्रहण किया, माँ शैलपुत्री से दृढ़ता का, ब्रह्मचारिणी से संयमता का, और चंद्रघंटा से विनम्रता का। ये तीनों अगर आप मिस कर चुके हैं तो मैं इस डिस्क्रिप्शन में तीनों का लिंक दे दूंगा, आपको तीनों को देखें तभी ये पूरी की पूरी सीरीज हम आपके लिए, हमारे लिए सफल साबित होगी। और इस उम्मीद के साथ कि माँ का आशीर्वाद रहेगा मेरे और आपके दोनों के ही जीवन पे कुछ न कुछ सकारात्मक प्रभाव पड़ेंगे, मैं ब्रिज स्टार्ट करता हूँ आज के इस कड़ी को। और आज हम लोग बात करेंगे माँ कुष्मांडा के ऊपर। एक दृढ़ निश्चयी व्यक्ति जब अपने अंदर ब्रह्मचर्य को लेके आता है, एक दृढ़ निश्चयी व्यक्ति जब अपने अंदर संयम को लेके आता है, तो वो जो कैरेक्टर बनता है वो बाय डिफॉल्ट एक ऐसा कैरेक्टर बन जाता है जो शांत, साहसी, निर्भीक और योद्धा के जितने भी गुण होने चाहिए उन सब गुणों को अपने अंदर समाहित करता है। योद्धा का अर्थ केवल जो युद्ध में खड़े होकर के हथियार से लड़ रहे हैं वही नहीं होते, हम भी अपने जीवन में डे टू डे लाइफ में एक योद्धा के रूप में ही रहते हैं, जहाँ हमारा कैरेक्टर, हमारा शिक्षा, हमारा संस्कार, हमारा राष्ट्र, हमारा समाज, ये सब हमसे जुड़ा होता है। और हमें, अगर हमने एक अच्छे योद्धा की तरह दिन व्यतीत नहीं किया तो उसका असर इन सभी चीज़ों पर पड़ता है। तो जब भी कोई व्यक्ति किसी लक्ष्य के लिए दृढ़ निश्चयी होगा, उससे जुड़े हुए जितने संयम है उनको बरतेगा, तो बाय डिफॉल्ट उसके अंदर एक ऐसी शक्ति का निर्माण होगा जो उसे विपरीत परिस्थिति में भी शांत और मृदु रखेगी। अब एक बात, हमारे जीवन में कई बार ऐसे कुछ लोगों का आगमन होता है, जैसे कि आपके भी जीवन में होंगे, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके केवल एक मुस्कान मात्र से वहां का वातावरण अच्छा हो जाता है, जिनके केवल एक मुस्कान मात्र से ऐसा होता है कि एक नए किसी शक्ति का सृजन हो गया, ऐसा प्रतीत होता है। ये जो एहसास है, ये जो प्रवृत्ति है कि कोई एक व्यक्ति अपने हल्के से मुस्कान के साथ एक नए किसी वातावरण को जन्म दे दे रहा है, और यहाँ कोई एक व्यक्ति का अर्थ ये नहीं जिनसे मेरा अपना संबंध है, जैसे परिवार के ही कोई सदस्य हो, ये नहीं, इनके अलावा भी बाहर के भी कई ऐसे सदस्य होते हैं, बाहर के भी कई ऐसे लोग होते हैं जिनको देख के या जिनके मुस्कान से हमें ऊर्जा मिलती है। पता है, अगर आप इनको ध्यान से देखें ना, तो इनके अंदर आप ये 3 गुण पाएंगे, और ये सारे व्यक्ति आपके भी जीवन में होंगे। अब आप उन व्यक्ति के जीवन से आप एक एक करके मार्किंग करना शुरू करो तो कमोबेश ये सारे गुण उनके अंदर पाए जाएंगे। दृढ़ निश्चय का होना, अपने कर्तव्य के लिए संयमित, जो भी हमारा संयम करने का जो भी तरीका बताया गया है उसको पालन करने वाला होगा, और किसी भी परिस्थिति में, अगर आप किसी बुरे परिस्थिति में भी फंसे हैं, तो वो आपके साथ रहने वाला और वो विनम्र और मृदु स्वभाव वाला होगा। ये 3 कैटेगरी देखिएगा आपको उनके अंदर देखने को मिलेगा। अब आते हैं आज के दिन। आज के दिन जो माँ की हम पूजा करते हैं, माँ कुष्मांडा, इनका नाम कुष्मांडा इसलिए पड़ा क्योंकि ये अपने मुस्कान मात्र से पूरे ब्रह्मांड का सृजन किया। अब मैं जो बताना चाह रहा था उसको अब आप कनेक्ट करके देख सकते हैं।
जब ये तीन स्टेज्स को हम क्लियर कर लेते हैं, दृढ़ निश्चयता, देन ब्रह्मचर्य, संयम, और फिर बुरे परिस्थितियों में भी अपने मानसिक संतुलन को बनाए रखने की क्षमता जब हो जाती है, तो हम एक ऐसे रूप में परिवर्तित होते हैं जिसका एक मुस्कान पूरे के पूरे वातावरण को बदलने का क्षमता रखता है, एक नए परिवेश के निर्माण का क्षमता रखता है। और इसी वजह से कि माँ के एक मुस्कान से इस ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, इनका नाम कुष्मांडा पड़ा। अब हम अपने सिलेबस से कैसे इसको कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे हम सभी के कुछ ना कुछ लक्ष्य है, हमारे जो लक्ष्य है वो सिविल सर्विसेज है। तो अगर मैं या कोई भी एक एक्स वाई जेड एस्पायरेंट सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा है, अगर वो फर्स्ट तीन स्टेज को अच्छी तरह से कंप्लीट किया है, तो आप फोर्थ पे देखेंगे कि उसके आगमन मात्र से वो अपने साथ साथ कुछ वाइब्रेशन को क्रिएट करेगा। ऐसे व्यक्ति जब आपके पास आएंगे तो उनके पास बात करने के लिए भी लिमिटेड टॉपिक रहेगा, और उस लिमिटेड टॉपिक में ही इंटरेस्ट लेंगे। उनको अपने सिलेबस से बहुत ज़्यादा अलग हटके चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है। वो बाय डिफ़ॉल्ट कंट्री की बात करेंगे, अभी आजकल कंट्री में क्या हो रहा है, देन हमारी पॉलिटी में क्या क्या सुधार हुआ, अभी करंट अफेयर्स के मामले में क्या क्या चीज़ ऐसा है जो नया आया है। मतलब कहने का अर्थ ये है कि ये सभी लोग मिल करके ये जो तीन गुण को अपने अंदर धारण कर लेते हैं, इनके पास ये एक अद्भुत क्षमता आती है कि ये पूरे के पूरे आपके परिवेश को बदलने का क्षमता रखते हैं। एक सीरियस एस्पायरेंट्स अगर आपसे मिलेगा, दिस इज द साइन कि आप नोटिफाई कर सकते हैं कि ही इज सीरियस और नॉट। तो प्रिपरेशन के दौरान अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा ही अपने समय को किल कर रहा है, अपने टाइम को बर्बाद कर रहा है, फिर बहुत ज़्यादा ही अननेसेसरी टॉपिक के ऊपर जुड़ा हुआ है, या आप जस्ट फील करें एक चीज कि अगर आप एक सीरियस एस्पायरेंट्स है, या कोई भी व्यक्ति जो अपने लक्ष्य की ओर जा रहा है, उसके लक्ष्य से जुड़े व्यक्ति आते ही एक माहौल में परिवर्तन आ जाता है। अगर ऐसा परिवर्तन नहीं आ रहा है तो ये तो मान लेना पड़ेगा कि ये हमारे रास्ते में इस तीन कैटेगरीज को पार नहीं करने वाले हैं, और अगर मैंने पार कर लिया इस तीन कैटेगरीज को तो मैं इनसे ये उम्मीद नहीं कर सकता हूँ कि ये मेरे परिवेश को बदले। मैं एक बार फिर क्लियर करता हूँ इस बात को कि हम अगर किसी ऐसे व्यक्ति से मिल रहे हैं जो मेरे लक्ष्य वाले परिवेश में कुछ नया नहीं करता, उसमें कुछ एक नया सृजन नहीं करता, मीन्स वो कुष्मांडा के रूप में नहीं है। कुष्मांडा के रूप में वही है जो परिवेश को बदलने की क्षमता रखते हो, जो हमारे लक्ष्य के लिए सकारात्मकता का बदलाव करे, जो हमारे लक्ष्य के लिए, लक्ष्य से जुड़े रहने के लिए परिस्थिति का निर्माण करे। और ये तभी संभव है जब वो इन तीन स्टेजेज को पार करके आया हो। सो माँ कुष्मांडा के आज के दिन यही सीख और यही सोच हम अपने मस्तिष्क में रखें। और वे लोग अगर कोई हैं आपके जीवन में जिनके आभास मात्र से आपका परिवर्तन होना प्रारंभ हो जाता है, रिस्पेक्ट हिम और हर लाइक अ पावर दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू टू गेट योर टारगेट्स और गोल्स। सो आज के लिए इतना ही। अंत में माँ कुष्मांडा से ये प्रार्थना कि हम सभी इस शक्ति को प्राप्त करें कि हमारे अंदर भी इतनी सकारात्मकता और इतनी ऊर्जा बढ़ जाए कि हम भी कभी बुरे परिस्थिति को भी अच्छे परिस्थिति में बदलने का ताकत रखें, बदलने की शक्ति रखें। जय माता दी।